अगला प्रश्न, कर्म और उपासना को ऋषि दयानंद जी ने अविद्या बताया है, इसको समझाएं। एक शब्द है विद्या, उसे हम अच्छा समझते हैं, विद्या यानी ज्ञान, और अविद्या का मतलब ज्ञान के विपरीत, विद्या के विपरीत यानी खराब चीज, मिथ्या ज्ञान। तो अविद्या शब्द को हम निंदित रूप में समझते हैं, वो निंदित रूप में है भी, इसलिए इनको प्रश्न खड़ा हो गया कि विद्या तो ठीक है लेकिन कर्म और उपासना को महर्षि ने अविद्या क्यों कह दिया, यानी इनको निंदित क्यों कह दिया। तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय में वेद के मंत्र आते हैं, वहां विद्या और अविद्या की चर्चा है, उसकी व्याख्या में महर्षि ने अविद्या का मतलब कर्म और उपासना किया है। तो वहां अविद्या का मतलब ये उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान या अज्ञान नहीं है, वहां अविद्या का मतलब है विद्या से भिन्न लेकिन विद्या जैसी कोई चीज, ऐसी चीज जो विद्या तो नहीं है लेकिन कुछ विद्या जैसी ही है। तो यहां चूंकि तीन चीजें हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना, ये एक वर्ग है, एक समूह है। तो जो विद्या नहीं है तो विद्या से भिन्न मतलब कर्म और उपासना ही गृहित होते हैं वहां पर। संस्कृत में की भाषा का प्रयोग है ऐसा, तो वहां कहते हैं कि अब्राह्मणम आनय। अब्राह्मण का मतलब है जो ब्राह्मण नहीं है उसको लेकर के आओ। तो किसको लेकर के आएंगे, किसी ऐसे मनुष्य को, यानी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण से भिन्न किसी मनुष्य को ही लाएंगे, ऐसे ऐसी वस्तु को लाएंगे जो ब्राह्मण भी नहीं है, यानी ब्राह्मण से भिन्न भी है लेकिन ब्राह्मण जैसी भी है। ब्राह्मण चूंकि मनुष्य है इसलिए मनुष्य को लाएंगे, वहां पत्थर को लेकर के नहीं आएंगे, पत्थर भी अब्राह्मण है लेकिन उसको नहीं लाया जाता, वक्ता का वो तात्पर्य नहीं है। जैसे हम किसी को कहें कि अकृत्रिम रेशे का वस्त्र दीजिए, अकृत्रिम चीज लाइए, तो अकृत्रिम का मतलब क्या हुआ, तो अकृत्रिम का मतलब हुआ जो कृत्रिम नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, सिंथेटिक नहीं है, प्राकृतिक, प्रकृति से आई है, वो हम चाह रहे हैं। तो किसी भी चीज को नहीं लाते हैं उस जैसी, हमने यदि वस्त्र के संदर्भ में कर रहे हैं कि अकृत्रिम धागे को लाओ या वस्त्र को लाओ, तो इसका मतलब है जो कृत्रिम नहीं है उसको लेकर के आओ, प्राकृतिक जो है उसको लेकर के आओ। तो जो निषेध है वो समान का ग्रहण कराता है, तो ज्ञान की समानता कर्म और उपासना से है लेकिन वो उससे भिन्न भी है, इसलिए अविद्या कहा है वहां, अविद्या से इनका ग्रहण किया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कर्म और उपासना की वहां निंदा की जा रही है, जैसे हम अविद्या को छोड़ने की बात करते हैं इस तरह से उसकी निंदा नहीं की जा रही है। इसको दूसरे अर्थों में भी लें हम कि मुक्ति विद्या से होती है, ज्ञान से होती है, कर्म और उपासना उसमें सहायता करते हैं, मुक्ति का आधार ज्ञान है, कर्म ज्ञान की शुद्धता का उपाय है, साधन है, इसलिए विद्या हमें मुक्ति को प्रदान करेगी और विद्या से भिन्न जो कि हमारे बंधन का कारण बन जाते हैं कर्म और उपासना यदि अशुद्ध हो तो कर्म और उपासना अकेले कभी भी मुक्ति नहीं दे सकते, ज्ञान तो होना ही है, इसलिए ज्ञान की विद्या की अपेक्षा से ये कुछ हीन है, छोटे हैं। ज्ञानान मुक्ति बंधो विपर्ययात, ज्ञान से मुक्ति होती है,
मुक्ति का मूल आधार ज्ञान है। बहुत सारे कर्म करके, बहुत सारी उपासना करके भी यदि विद्या या ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो मुक्ति नहीं होने वाली है। हमने कितने कर्म किए संख्या पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन कर्म करते हुए हमने शुद्ध ज्ञान पैदा कर लिया, प्राप्त कर लिया, बस ये मुक्ति का कारण बनता है। तो उसकी अपेक्षा से ये कुछ हीन है, लेकिन ये निंदित नहीं है। मुक्ति के लिए शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना अनिवार्य है, आवश्यक है, लेकिन वो अकेले कसौटी नहीं है। इस दृष्टि से भी उसको अविद्या शब्द से कहते हैं।